नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट डॉक्टर मयूरीज गायनेकोलॉजी क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी दो प्रेगनेंसीज कभी भी सेम नहीं होती, कभी भी लक्षण जो हैं वो सेम नहीं होंगे, या जो सिवियरिटी रहेगी लक्षणों की वो भी कभी सेम नहीं होती। और एक ही माता में अगर हम बात करें, एक ही मदर में अगर पहले वाली प्रेगनेंसी में कोई सिम्टम था, जैसे कि अगर उल्टी ज़्यादा थी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगली में भी ऐसा हो। तो सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है मिस्ड पीरियड, इसको हम हॉलमार्क साइन भी कहते हैं। ये मिस्ड पीरियड जो होता है वो सबसे पहला साइन उनमें होता है जिनमें पीरियड्स जो है एकदम रेगुलर है, टाइम पे आते हैं, 30 दिन 35 दिन जो भी है, लेकिन साइकिल फिक्स्ड है आपका। तो शुरुआती साइन ये हो सकता है कि पीरियड्स मिस होने पे आपको पता चल जाए। एक भी दिन अगर लेट होगा पीरियड तो आप टेस्ट कर सकती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर पीरियड जो है वो इररेगुलर हैं, डेढ़ महीना दो महीना कभी भी आते हैं, पहले आते हैं, तो उन कंडीशंस में ये इतना रिलायबल नहीं होता। बाकी जो आगे बताने जा रही हूँ मैं सिम्टम्स, वो इससे पीरियड के मिस होने से पहले भी अपियर हो सकते हैं। जो दूसरा अपना साइन होता है दैट इज़ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसे कहते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपकी नॉर्मल पीरियड्स के कंपेरिजन में बहुत ही हल्का फ्लो होता है, लेकिन पीरियड्स की जो डेट है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, उसके आसपास ही दिखता है। तो इसलिए कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे तो पीरियड आया था फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे। तो अगर कभी भी आपको लगे कि फ्लो कम था, पहले के साइकिल्स के कंपैरिजन में बहुत कम फ्लो है, हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आपको विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपना प्रेगनेंसी तो जाँच कर ही लेना चाहिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्यों है? जब जो फीमेल का अंडा है, एग है, वो हस्बैंड के एग से, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनता है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है यूट्रस में, इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। तो जब वो इम्प्लांट होता है उस टाइम पे थोड़ी सी स्पॉटिंग, हल्की सी ब्लीडिंग दिख सकती है, उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। वो भी एक हेल्दी साइन है, नॉर्मल साइन है, उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड साइन की बात करें, थर्ड साइन सिम्टम वो होता है नॉजिया वॉमिटिंग। ये बहुत कॉमन है, जी मचलाना, उल्टी आना बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और इसको फॉल्सली लोग मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग सिकनेस जो टर्म है वो एक मिसनोमर है, फॉल्स टर्म है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे ही ये सिम्टम हो, कभी भी हो सकता है, दिन में, रात में, दोपहर में, जिसके लिए दवाइयाँ डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आज की डेट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा इस सिम्टम्स से जूझें और परेशान होके अपनी प्रेगनेंसी कैरी ऑन करें। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल रहता है। तो हमेशा अगर आप को ज़्यादा उल्टी जैसा कुछ कंप्लेंट्स रहते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाके कंप्लेंट्स बताएं और उसका सही इलाज सही टाइम पे लें। नॉजिया वॉमिटिंग होता है एक हॉर्मोन्स के चलते, जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं, जो मैंने लास्ट अपने वीडियो में अच्छे से समझाया था। बीटा एचसीजी रिलीज होता है प्लेसेंटा से, तो वो बीटा एचसीजी जो है, जैसे उसकी मात्रा इंक्रीज होती है, तो वो जो है जी मचलाना और उल्टी करने का कारण रहता है। फोर्थ सिम्टम है वो होता है ब्रेस्ट में चेंजेस। ब्रेस्ट में लेडीज़ को, मदर्स को हैवीनेस, टिंगलिंग, भारीपन, ये सब महसूस हो सकता है। ये भी प्रॉपर हार्मोनल चेंजेस के कारण रहता है। और साथ ही साथ निप्पल्स के अराउंड जो काला घेरा होता है, जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो और डार्कन हो सकता है, वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर हो सकता है उसका, वो बिल्कुल नॉर्मल साइन है। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो स्मूथ मसल रिलैक्सिंग, मतलब कि जो आंतों की जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है। दूसरा कारण ये रहता है कि उल्टी, जी मचलाना, इन सब के चलते पेशेंट्स
खाना प्रॉपर नहीं खा पाते, पानी प्रॉपर इंटेक नहीं हो पाता, तो ये सब मिलजुल के एक कब्ज पैदा कर देता है। अगला साइन जो होता है, सिम्टम साइन, कि वजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट्स आते हैं कि वजाइना में से थोड़ा ज़्यादा मिल्की मिल्की वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी का। हॉर्मोन्स के चलते ये जो वजाइनल नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है उसमें थोड़ा सा उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब तक डिस्चार्ज के साथ आपको फाउल स्मेल, बदबू या फिर इचिंग, जलन, खुजली ऐसा कोई सिम्टम नहीं है तो उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, वो एकदम नॉर्मल साइन है। फिर हम बात करते हैं अगले साइन की, तो वो होता है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो होती है बढ़ जाती है, बार बार आपको पेशाब आना। ये भी एकदम हेल्दी साइन है, जो अपनी यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो पेशाब की थैली के एकदम एडजेसेंट होती है। तो जैसे जैसे अपना यूट्रस ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अकोमोडेट करने के लिए यूट्रस की साइज इंक्रीज होती है, तो वो प्रेशर डालती है अपनी ब्लैडर पे, पेशाब की थैली पे, जिसकी वजह से मरीज़ को लगता है कि मुझे बार बार पेशाब लग रहा है। लेकिन जब तक कि फ्रीक्वेंसी, मतलब जल्दी जल्दी आने के साथ साथ पेट दर्द, बुखार, पेशाब में जलन ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। सिंपल पेशाब जल्दी जल्दी आने से कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल साइन है और वो तीसरे महीने तक, चौथे महीने तक सेटल हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है इजी फटीग, जल्दी से थकान होना, पूरे दिन थकान रहना, बुखार जैसा रहना, तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है। पेशेंट्स को हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार थकान महसूस रहती है, पूरे दिन थका थका लगता है, बट उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं। द नेक्स्ट सिम्टम इज हेडेक, सर दर्द और चक्कर आना, तो ये भी नॉर्मल चीज़ है, किसी को ज़्यादा रह सकता है, किसी को कम रह सकता है, ये सारे के सारे हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। जो ग्लूकोज लेवल, जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो अपनी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम कर देते हैं, और आठवें हफ्ते के बाद बीपी जो है वो नॉर्मली कम हो जाता है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले जो बीपी बेसलाइन रहता है उससे कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर और सर घूमना, सर दर्द रहना, ये सब हो सकता है। फिर जो द नेक्स्ट सिम्टम होता है, दैट इज़ इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल, हर चीज़ में से बदबू आती है, खाना नहीं अच्छा लगता, कॉमन सी जो फूड आइटम्स हैं, जैसे बहुत कॉमन है कि चपाती जैसे हम बनाते हैं तो उसमें स्मेल आना, तो ये भी एक कॉमन साइन है, लेकिन अपने आप टाइम के साथ थर्ड फोर्थ मंथ में जाके ये चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं बैकएक की, तो बैकएक भी एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, जिसमें लोअर बैक, नीचे वाले बैक के एरिया पे पेन रहता है, पेशेंट को भारीपन रहता है, तो उसका कारण ये रहता है कि जैसे आपका यूट्रस जो है, जैसे बच्चेदानी इंक्रीज होती है साइज में, तो उसको जो होल्ड करते हैं लिगामेंट्स, उन पे टेंशन आती है, वो खिंचाव महसूस करते हैं, तो उसके कारण एक तो नीचे कमर में दर्द रह सकता है, दूसरा रहता है कि ज़्यादा लंबा समय तक अगर माता जो है वो काम कर ले, खड़े रह जाए, तो उस टाइम पे रहता है बैकएक। बट ये बिल्कुल नॉर्मल सा सिम्टम है, इसमें बस बचाव के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कुछ भी एट अ स्ट्रेच नहीं करें, कोई भी काम आपको करना है तो बीच में ब्रेक ले लेके करें, कुछ पोस्चर्स हम समझाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिनकी वजह से इसमें रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम होता है तो हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि वो आपको और डिटेल में इस चीज़ के बारे में समझाएं, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बैकएक आपका जो है वो रेस्ट के साथ सबसाइड हो जाता है, चला जाता है, उसमें आराम पड़ जाता है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाला बैकएक नहीं है। लेकिन अगर से कमर में दर्द के साथ साथ आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, पेट में दर्द चालू हो जाती है,
या फिर जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो रेस्ट के बावजूद बढ़ रहा है, तो वो जो पेन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उसके लिए आपको फिर तुरंत डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मूड चेंजेस की। जैसे कि मैंने बताया हेडेक, तो ये मूड चेंजेस भी जो है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हो सकते हैं। तो महिला में चिड़चिड़ाहट, कभी गुस्सा, कभी नरमी, ये सब देख सकते हैं, तो वो एकदम नॉर्मल है। वो जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हॉर्मोन्स के, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं फैमिली का, बेबी का, तो उसके चलते भी हमको मूड चेंजेस दिख सकते हैं। लास्ट सिम्टम की जो मैं बात करना चाहूँगी वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना। केवल मदर के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, प्रेगनेंसी में एक बेबी भी अपने अंदर पल रहा है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हल्के फुल्के काम से ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर कर ले मदर, तो कई बार सांस खींचना पड़ता है, ऐसा लगता है कि सांस खींचना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन वो रेस्ट के साथ ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हर बारी, मतलब हल्के फुल्के काम से भी, नॉर्मल काम से भी आपका सांस फूलता है, बहुत लंबे टाइम तक फूला रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का इशू हो सकता है। हो सकता है कुछ अंदर बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, या कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो इसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमेशा हर सिम्टम जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है, जो भी आपको दिक्कत होती है, वो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। आपकी जितनी भी विजिट्स हम लोग प्लान करते हैं, आपको महीने महीने पे, 15-15 दिन पे जो भी चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि छोटा या बड़ा कोई भी आपको सिम्टम है, कोई भी साइन है, तो अपने डॉक्टर से शेयर ज़रूर करिए। अपने लेवल पे ये ना सोचें कि ये नॉर्मल है या ये बिल्कुल हेल्दी चीज़ है जो हो रही है, सबको होता है, ऐसा नहीं है। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर लेडी का बॉडी डिफरेंट होता है, रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है उनका, तो शेयर हमेशा करिए। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो कुछ बेनिफिशियल लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।